तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है क्लोज रेंज में या फिर टीडीएम में आपका एक मिस्टेक भाई एनिमी के लिए एक पॉइंट है, उसी तरीके से मेरे एक ट्रिक से आपका भाई एक पॉइंट बन सकता है। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, एक ट्रिक इक्वल टू एक पॉइंट। तो भाई क्लोज रेंज में या फिर टीडीएम में ऐसा कुछ मिस्टेक है जो भाई आप हर मैच में करते हो, तो कैसे भाई आप लोगों को उस मिस्टेक को सुधारना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे भाई मिलकर फटाक से भाई वीडियो में एक एक लाइक कर दो। तो चलो अब इस कमाल की वीडियो को भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल अगर भाई बंदा टीपीपी लेता है, आप बंदे पे घुसते हो कुछ इस तरीके से, एंड बंदा भाई आपको यहाँ पे एक ही झटके में फिनिश कर देता है, और ये चीज भाई हर एक प्लेयर के साथ होता है। अब आपको पता है कि कवर के पीछे बंदा है, फटाक से आप लोगों को इस पोजीशन में क्रॉस एयर को रखना है एंड फ्री फायर मारना है। तो ज्यादातर टाइम भाई बंदा फ्री फायर में घुस जाता है, तो क्या करना है आप लोगों को, हेड के लेवल पे क्रॉस एयर को रख के भाई आप लोगों को फ्री फायर मारना है, और भाई बंदा जो है आप एक ही झटके में फिनिश हो जाएगा। और ये चीज टीडीएम में नहीं, आप भाई क्लोज रेंज में भी इसे यूज कर सकते हो। अब कंटेनर के इस साइड उस साइड जब भाई फाइट हो जाता है, ठीक है, बंदा क्या करता है, जैसे आपको डैमेज देता है बंदा कुछ इस तरीके से भाई आपके पीछे पीछे भागता है, उल्टा फायर करते हैं भाई आप यहाँ पे एक ही झटके में फिनिश हो जाते हो। तो क्या करना है आप लोगों को, बंदे से फाइट लेना है, ठीक है, बंदा जैसे आप लोगों को भाई थोड़ा सा डैमेज देता है, आप लोगों को कवर में चले जाना है। अब यहाँ पे देखो बंदे का ध्यान कहाँ पे है, लेफ्ट की तरफ है, लेकिन आपको यहाँ पे जॉयस्टिक को राइट की तरफ खींचना है एंड भाई जंप करना है एंड शूट करना है, और भाई बंदा जो है यहाँ पे एक ही झटके में फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पे भाई आप एक और क्लिप देख लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भाई बंदे को डैमेज दिया, ठीक है, अब बंदा भाई मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज देगा, जैसे भाई बंदा डैमेज दिया मैं कवर में चला गया, बंदा भाई मेरे पीछे पीछे घुमा, मैं उल्टा साइड में भाई जंप किया एंड बंदे को भाई यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब भाई यहाँ पे क्या होता है, अब भाई यहाँ से बंदे को थोड़ा सा डैमेज देते हो, कवर में चले जाते हो, एंड थोड़ी देर बाद भाई बंदा आपको हेड मार के भाई फिनिश कर देता है। तो आपको भाई क्या करना है, फटाक से भाई बंदे को यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज देना है, कवर में चले जाना है एंड भाई राइट पिक लेना है एंड भाई बंदे को फिनिश कर देना है। यहाँ पे ज्यादातर टाइम भाई बंदा ऊपर से ही फायर करता है, क्योंकि भाई ऊपर से आपका जो हेड है वो भाई दिखता है। और एक चीज आप लोगों को इस वाले लोकेशन में हमेशा क्राउच करके ही रहना है। अब यहाँ पे देखो भाई कंटेनर के इस साइड उस साइड जब भाई फाइट होता है, अब क्या करते हो, कंटेनर के यहाँ पे आते हो, अचानक से जैसे जंप वाले बटन पे क्लिक करते हो, आप जो भाई ऊपर की तरफ चले जाते हो एंड भाई बंदा जो आपको यहाँ पे एक ही झटके में फिनिश कर देता है। सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग में चले जाना है, जंप एंड क्लाइंब में चले जाना है, ठीक है, एंड इसको भाई इनेबल कर देना है, एंड ऑटो जंप को आप चाहो तो भाई इनेबल कर सकते हो, चाहो तो भाई आप डिसेबल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे भाई आप लोगों को भाई जंप करने के लिए दो बटन देखने को मिल जाएगा, तो दोनों बटन को आप लोगों को भाई ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट कर देना है। अब जब भाई कोई भी ब्रोकन वाले या फिर कंटेनर के आसपास आके फाइट लोगे, आप लोगों को जंप करने के लिए इस वाले बटन को भाई प्रेस करना है, इस वाले बटन को आप लोगों को प्रेस नहीं करना। और जब भाई आप उस वाले बटन पे क्लिक करोगे आपका सिर्फ भाई जंप ही होगा, क्लाइंब नहीं होगा। थोड़ा सा एग्जांपल देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे राइट वाले बटन पे क्लिक किया क्लाइम नहीं हुआ, ओनली जंप हुआ, और जैसे ही मैंने भाई यहाँ पे लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक किया भाई सीधा का सीधा भाई यहाँ पे क्लाइम हो गया। अब यहाँ पे भाई आप और एक ट्रिक का यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को फाइट लेना है, ठीक है, अगर आप लोगों को जंप करने की जरूरत पड़े ऊपर की तरफ, ठीक है, आप लोगों को जंप करना है मतलब क्लाइम करना है एंड पीछे की तरफ भाई जॉयस्टिक को खींचना है, आप जो भाई एक ही झटके में नीचे की तरफ भी आ जाओगे। अब ये मिस्टेक भाई सभी लोग करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड कुछ इस तरीके से भाई स्प्रे देते हैं, लेकिन भाई पलक झपकते ही बंदा भाई आपको यहाँ पे फिनिश कर देता है। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को भाई इस वाला लोकेशन में आके बैठ जाना है, ठीक है, खड़ा होना है, स्प्रे देना है, बैठ जाना है, खड़ा होना है, स्प्रे देना है, बैठ जाना है, और जितना फास्ट हो सके भाई आप लोगों को इस चीज को करना है। और जब भाई आप इस ट्रिक को यूज करोगे सामने वाला बंदा भाई सोच भी नहीं पाएगा कब भाई आप खड़ा हुए और उसको भाई पेल के चले गए। और आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही कुछ था आप लोगों के लिए बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये भाई पार्ट वन है, ठीक है, अगर आप बोलते हो कि भाई पार्ट टू पार्ट थ्री भी लाओ तो मैं भाई लेके आ जाऊंगा। और सारे के सारे पार्ट देखने के लिए फटाफट से जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ जो भाई बेल नोटिफिकेशन है उसको भाई ऑल पे कर दो। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।